एफएड जंक्शन में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपक कालरा। तो मार्केट के अंदर आज गिरावट का सेकंड डे है और 18,200 का साथ जैसे से छूटता जा रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होते जा रहे हैं। पहले 18,100 गया, आज 18,000 भी गया। एक बार निफ्टी दिखा दीजिए, 18,000 के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा होगा स्पॉट के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर हालांकि थोड़ा प्रीमियम है इसलिए आपको ये थोड़ा ऊपर दिखेगा, लेकिन ये डेज लो टेस्ट कर रहा है। आज सुबह से डाटा इस तरह का कुछ बन रहा था कि बाजार अपने हायर एंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बार बार लो टेस्ट कर रहा था और पहले 10 से 15 मिनट के अंदर ही पोजीशनिंग कुछ ऐसे बनने लगी थी कि बाजार आज 18,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है और फाइनली इसने कर दिया। ठीक 12 बजे से पहले 18,000 का लेवल ब्रेक है, यानी कि सेकेंड हाफ मार्केट के लिए उथल पुथल भरा रह सकता है। एक काम कीजिए, एक बार इंडिया विक्स और दिखा दीजिए बैक टू बैक, फिर हम 5 बड़ी बातों के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। इंडिया विक्स हम जानबूझ के इस समय चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि 18,000 का ब्रेक करने के बाद विक्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए कम से कम 2% की। अभी ये 1 से 1.5% था, ठीक है, फिर भी ठीक है। ये अगर चल रहा है इसी तरह से और बढ़े कम से कम 3-4% तक का गेन आ जाए तो फिर आज दिन भर का चैलेंज हो जाएगा मार्केट के लिए 18,000 को गेन करना। कल हमने आपको लेवल्स भी बताए थे सुबह सुबह डेरिवेटिव्स के और ये बात भी बताया था कि FIs की होल्डिंग कम हो गई है, 36% ही रहेगी लॉन्ग होल्डिंग्स और ये बेरिश साइन का सिग्नल होता है। पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्वनि पटेल आज के हमारे मेहमान भी हैं। लगातार दूसरे दिन गिरावट, 18,000 के नीचे आ गया निफ्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात में आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, यहाँ पर भी कमजोरी है। कल और आज में बैंक निफ्टी ने अपने 43,000 के लेवल को बड़ी मुश्किल से बचाने की कोशिश की थी। कल 43,000 के आसपास क्लोज किया था, आज इसके ऊपर खुला था, लेकिन फाइनली इसने भी 400 पॉइंट दे दिए और ये भी दिन के लोवेस्ट रेंज पे आके समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मार्केट के अंदर है वो है फाइनेंस वाले काउंटर्स। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ट्विंस आज टूट गए। दोनों में आज अच्छी खासी करीब 5-6% तक की गिरावट है अपडेट आने के बाद। इसके अलावा FMCG का भी अपडेट आया, अपडेट दोनों का आया, FMCG का भी आया और फाइनेंस कंपनीज का आया। फाइनेंस की पनिशमेंट आपको दिखी रही है और FMCG का जो अपडेट आया है उसको लेकर आज FMCG इंडेक्स ऊपर है। न केवल यही बड़ी वजह है बल्कि मार्केट का रिदम इस समय ये कहता है कि FMCG, ऑयल एंड गैस, खासकर ITC, HUL, ये कुछ एक शेयर्स के अंदर भी आपको चले जाना चाहिए क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट्स को फिलहाल अभी ब्रेक कर रहा है। इसके अलावा इंडिया विक्स जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने बात रखी थी, 15.5 के ऊपर आ चुका है और डाउ फ्यूचर्स इस समय 30 अंक नीचे है। ये अपडेट भी हम आपके सामने रख दें क्योंकि US मार्केट्स का खुलना होता है शाम को 7:30-8 के आसपास, लेकिन ठीक उससे पहले फ्यूचर्स काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे 30 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। आज हमने आपको कॉल पुट के लिए मना भी किया था काम करने के लिए और अगर आप आज उस चीज़ को मान रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा सुबह जहाँ पे कॉल्स के अंदर 50% की बढ़त थी अब 50% की गिरावट है। अगर कोई 18,000 की कॉल दिखाए स्क्रीन पर तो आपको पता लग जाएगा सुबह 50% तक बढ़ी, अब 50% नीचे है और सुबह पुट करीब 40% तक गिर गई थी, अब 40% ऊपर है। तो आपसे नहीं हो पाएगा इसी रेंज के अंदर, बहुत ही शार्प चाहिए और खासकर मैं बोलूँगा जब से एल्गो आया है तब से ऑप्शंस के अंदर वॉल्यूम भी बढ़ा है और बहुत शार्पनेस भी बढ़ गई है। 5-5 मिनट के अंदर 50-50% के स्विंग्स ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल रही है। खैर ध्वनि पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले एक काम और करते हैं, जरा रिपोर्ट कार्ड भी है कल के मेहमान का अजीत मिश्रा का, वो भी आपके सामने रखते हैं। कल अजीत मिश्रा जी ने आपको एक इन्फोसिस के पुट के बारे में जानकारी दी होगी, 6% तक का रिटर्न वहाँ पे मिला है। GNFC के बारे में जानकारी मिली होगी तो 2% का रिटर्न वहाँ से आपके पास आया। ट्रेंड बेचने की कॉल थी तो 1.5% का रिटर्न वहाँ से आया। तो अलग अलग स्टॉक्स जो कल डिस्कस हुए थे उसमें से कुछ एक शेयर्स हमने छांटे और रिपोर्ट कार्ड के अंदर डाल दिए और हम कोशिश करते हैं हर दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आए ताकि 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाए कि उस शेयर के अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है। इससे दो चीज़ें साफ पता लगती हैं, पहला एक तो मेहमानों की अपनी इंटेलिजेंस वो आपको कैसे रीड करके बता रहे हैं और दूसरा आपको ये पता लगेगा कि अगर आपने सौदा लिया हुआ है तो कौन से शेयर से कितना प्रॉफिट मोटा मोटी आपके पास आ रहा है। और जो इस शेयर लिस्ट के अंदर नहीं होते या तो 1% के क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे होते, 1% का रिटर्न नहीं दे रहे होते आपको, या तो उनके स्टॉप लगे होते हैं। अगर हम 5 शेयर भी ले लें, मान लीजिए 3 का आपको यहाँ टारगेट मिल गया, 6, 2, 8 और 1.5, 7.5, 9% तक का रिटर्न अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, 3 शेयर का 4% आपसे किसी से चला भी गया हो, 6% किसी से चला भी गया हो, तब भी 2% का नेट का रिटर्न आपके अकाउंट में आ गया होगा।
तो आप इसको इस तरह से भी काउंट कीजिए, इसलिए हम रिपोर्ट कार्ड जरूर लेके आते हैं। आज के मेहमान ध्वनि पटेल है, उनसे पता करते हैं कि क्या करना चाहिए। ध्वनि बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार के पास एक इंपॉर्टेंट रेंज थी एक्चुअली, वो थी 18,000 से लेकर 18,200। फाइनली शो के शुरुआत होने से पहले इसने 18,000 को ब्रेक कर दिया, ये शायद ड्रैग भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 18,200 तक भी ले जाए। आप इस चीज में कितना बिलीव करते हैं, अभी क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर जब रेंज का लोअर एंड ब्रेक हो रहा हो? गुड मॉर्निंग डिम्पी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक करा है। यहाँ पे ट्रेड परस्पेक्टिव से देखते तो निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी जो है वो हमें यहाँ पे बहुत ही एक ज्यादा स्लगिश मूव देती हुई दिख रही है। निफ्टी में लेवल स्पेसिफिक हम एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें यहाँ से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो लेवल्स ब्रेक करे हैं उसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट जो हमें निफ्टी में मिलना चाहिए तो यहाँ पे 17,900 का लेवल है वो बहुत ही क्रूशल रहेगा। 17,900 के नीचे अगर हम यहाँ पे फिसलते हैं तो हमें और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 17,900 के लेवल को हम बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पकड़ के चलेंगे। यहाँ पे कन्विक्शन मेरी ज्यादा बैंक निफ्टी में बनती है। बैंक निफ्टी में जो हमने गिरावट देखी है वो हम सुबह से एक और फैक्टर जैसे ध्यान में रखना चाहिए, तो जो सेक्टर्स मूव कर रहे थे उसमें हमें एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स जो डिफेंसिव प्लेस है वो मूव करते हुए दिख रहे थे। और बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंकिंग दोनों ही एक बहुत ही यहाँ पे स्लगिश और बहुत ही वीक साइंस दिख रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक भी हम देख रहे हैं कि आज बहुत ही अच्छी एक उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। फ्रेश जो लेवल्स है वहां पे भी ब्रेक हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बनता है जिसमें मेरा कन्विक्शन ज्यादा बनता है। करंट लेवल से भी हम बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ के जो टारगेट रहेंगे तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 42,500 का रहेगा। उसके बाद वो टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड भी हो सकता है जिसमें 42,430 तक के लेवल्स हम इसमें विटनेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो सुबह हमने ये जो कॉल दी थी जिसके अंदर हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे 43,030 का रखा था, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो 42,920 का होता है। ओके ठीक है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी तेज़ी से फिसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी का डाटा आज थोड़ा ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी के पास एक राइडर है एक्चुअली में, 9 तारीख से ना टीसीएस अपने नंबर उतारेगा, तो अगर आप वैसे देखें एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी खाली खाली निफ्टी निफ्टी के शेयर्स, हालांकि यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल रहा है बैंक निफ्टी शॉर्ट, अभी और नीचे जा सकता है, 42,500 तक भी चला जाए और कोई बड़ी बात नहीं, 430 तक भी चला जाए, अब 42,900 या फिर ये बात बोली जाए कि मोटा मोटी जब तक 43,000 पार नहीं होगा तब तक मुश्किल होगी। अच्छा, मैं आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा था कि आज कितना कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। अगर आप देखें 29 शेयर हैं निफ्टी के जो कि अब इस समय एडवांसेस के साथ हैं और 21 शेयरों की ही गिरावट है। आपने आज 18,000 का लेवल तो ब्रेक कर दिया लेकिन एडवांस डिक्लाइन उतनी ख़राब नहीं है अगर आप वैसे देख पा रहे हैं, या आप एफ एंड ओ के शेयर्स भी देखिए, आपने 18,000 का लेवल तो ब्रेक कर दिया लेकिन आपके एडवांस डिक्लाइन इतनी खराब नहीं है, इसलिए बाजार में थोड़ा संभल कर सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। एक लेवल को टेस्ट करने के बाद बाजार दूसरे लेवल की तरफ जब रिवर्स करता है ना तो बहुत स्पीड से करता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकेंड हाफ मार्केट में तेजी का भी हो जाए, थोड़ा मिलजुल कर आप देख के ट्रेड किया कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं, निफ्टी पे कोई ट्रेड इस समय नहीं, बट बैंक निफ्टी का शॉर्ट का सौदा आपको ध्वनि ने दे दिया। अब आ जाते हैं जरा तेजी वाले शेयर्स की तरफ में, तो पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या फिर ये बोले कि थोड़ी बाइंग है उनकी, एक कमेंट्री आई थी कि वो 1,00,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करना चाहते हैं, इसलिए आज स्टार के स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट है और ये करीब 2% बालकृष्ण ऊपर है। और गोदरेज सीपी, जैसे हमने कहा था कि आज दो अपडेट आए, पहला फाइनेंस का अपडेट आया, दूसरा एफएमसीजी का। फाइनेंस का अपडेट उन दोनों शेयर्स को पीट रहा है और एफएमसीजी का अपडेट ज़्यादातर एफएमसीजी शेयर्स को चला रहा है। ये 2% ऊपर है गोदरेज सीपी। एक बार ध्वनि इन दोनों को चेक कर लीजिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और गोदरेज सीपी आज ताज़ा खरीदारी वाले शेयर हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा कन्विक्शन जो है वो गोदरेज सीपी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी में एक अच्छी खासी आज सुबह में ही अपसाइड देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम गोदरेज सीपी की भी बात करें तो 900 का एक लेवल था जो इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ तो पिछले कुछ दिनों में एक्ट कर रहा था, उस लेवल को आज हमने ब्रेक करा है और उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और
हमें काफी यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा भी है वो एडिशन होता हुआ उसके अंदर दिख रहा है, करीब 9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है इसके अंदर। तो गोदरेज सीपी में यहाँ से कन्विक्शन ज्यादा बढ़ती है, करंट लेवल से इसके अंदर एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, और कोई भी एक डिप आपको मिलता है इसके अंदर 908 के करीब भी अगर ये फिसलता है तो वहां से भी आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका अंदर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप इसके अंदर नीचे की तरफ में 900 का, जैसे हमने लेवल बात करी तो 900 का यहाँ पे उसके नीचे कोई भी एक मूव मिलता है तो वहां हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो फर्स्ट टारगेट इसका यहाँ पे हमें मिल रहा है तो 929 तक का एक इसका टारगेट रहेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक हम देख रहे हैं तो आज एक स्पर्ट ऑफ अपसाइड मोमेंटम रहा है दिन के स्टार्टिंग में, बट करेंटली इसके अंदर एक हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट लास्ट 1 आवर में देखने को मिला है, तो इसके अंदर और थोड़ी एक गिरावट आने के बाद इसके अंदर वापस से रिव्यू करके कोई भी एक एंट्री पोजिशन ले सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे भी इसका जो लेवल बनता है यहाँ पे तो 2180 का एक लेवल है जो इसको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है, जो पिछला एक स्विंग हाई है उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी रहेगा, तो उसको हम उस लेवल पे वापस से रिव्यू करेंगे और फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कोई भी ट्रेड होगा। गोदरेज सीपी में करंट लेवल से एक बाय ले सकते हैं। ठीक है, गोदरेज सीपी में आप कह रहे हैं कि बाय करके चले, बीकेटी के अंदर अभी थोड़ा छोड़ना होगा, ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, 929 का टारगेट और 900 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो ये आप एक ट्रेड हो गया जो कि धोनी पटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के भी 200 बैक टू बैक आपके सामने रखते हैं। धोनी जरा चेक कीजिएगा, फर्स्ट इज UPL, सेकेंड इज कमिंस इंडिया। UPL और कमिंस इंडिया ये दोनों शेयर शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ऊपर है, यानी कि इनमें ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। एक बार जरा बताइएगा क्या करें इसमें। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे कमिंस इंडिया जो है वो मुझे बहुत ही कन्विंसिंग लग रहा है। यूपीएल का जो रेंज है वो रेंज अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए हैं, बल्कि कमिंस में जो 1400 की यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स की हम जो पोजीशन देख रहे हैं उसके हिसाब से 1400 का एक रेजिस्टेंस था जो कल की सेशन में हम ब्रेक नहीं कर पाए, बट आज की सेशन में हम उसके ऊपर ट्रेड करें तो कमिंस में यहाँ से मेरी कन्विक्शन ज्यादा बनती है, उसके अंदर हम एक बाय की रिकमेंडेशन देंगे। करंट लेवल से उसके अंदर प्ले कर सकते हैं, कोई भी एक डिप आपको मिलता है जिसमें आप 1402 के लेवल तक वापस से स्लिप डाउन करते हैं तो वहां से भी आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप इसके अंदर 1390 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, और इसका जो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिलता है तो 1430 तक के इसमें एक अपसाइड विटनेस करने को मिलेगी। ओके डन, तो आप ये कह रहे हैं कि कमिंस इंडिया इस समय ठीक है। ये शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हमने रखे थे, यूपीएल एंड कमिंस इंडिया। अच्छा, यूपीएल में कोई सौदा ना लेना, इसको छोड़ देना, वैसे बजट वाला शेयर है ये, बजट की सीरीज में काफ़ी एक्टिव रहता है फर्टिलाइजर शेयर, एक राउंड ऑफ तेजी ऑलमोस्ट दिखा भी चुके हैं, एक बार आप इसको चेक करेंगे। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे डेफिनेटली ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, हमें इसमें काफी मोमेंटम देखने को मिलता है, स्पॉट ऑफ मोमेंटम, बट इसका अभी फिलहाल का जो सेटअप बना हुआ है तो इसमें एक रेंज प्ले चल रहा है जिसमें 730 ऑन द अपसाइड है और नीचे की तरफ में 710 का लेवल है। जब तक इन दो लेवल्स को हम किसी भी साइड पे ब्रेक नहीं करते हैं डिसाइसिवली तो एक ट्रेंड मूवमेंट इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए मुश्किल लग रहा है। जैसे ही इन लेवल्स को हम ब्रेक करते हैं जिसको हमें अलर्ट भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसके अंदर आप किसी भी वन साइडेड एक स्पॉट मूवमेंट विटनेस करने को मिलेगा। ओके ठीक है, फिलहाल अभी रुक जाते हैं यूपीएल के अंदर, लेकिन इससे पहले अगर आपको जो शॉर्ट कवरिंग का शेयर्स मिल रहे हैं इसमें कमिंस इंडिया आप ध्यान रख सकते हैं, तेजी वाले शेयर्स में बालकृष्ण ने गोदरेज सीपी रखा था तो गोदरेज सीपी का चुनाव हुआ है, आपके सामने वो लेवल्स आ जाएंगे। इंडेक्स को लेकर जब हमने पता किया तो बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट अभी और लगती है, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। यहाँ पे बार बार मैं जो सावधानी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ इसका मतलब मंदी का सूचक होता है, यानी कि गिरावट और भी आ सकती है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड किया जाए। ज़्यादातर इन्वेस्टर ट्रेडर्स टिपिकली लॉन्ग ही रखते हैं, चाहे वो पोर्टफोलियो में रखें, चाहे वो स्विंग ट्रेड लें, शॉर्ट कम ही करते हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा बाजार नरम हुआ पहले के मुकाबले। आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारे यहाँ पे मंदी वाला जो सेगमेंट है, तेजी वाला जो सेगमेंट है करीब करीब पूरा हुआ, अब मंदी के सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और पहले शॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने चुने हैं, फर्स्ट इज अ ट्रेंट, सेकंड चुना हमने AU स्मॉल फाइनेंस। धोनी जरा इन दोनों को चेक कर लो, ट्रेंट और AU स्मॉल फाइनेंस के अंदर इस समय क्या किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी सबसे पहले हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड में मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसका प्रीवियस स्विंग लो जो है वो ब्रेक करे, जो आज के दिन में हम दिख रहे हैं कि वहां से एक सपोर्ट लेके एक छोटा सा बाउंस भी हमें विटनेस करने को मिला है।
एईएम स्मॉल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एईएम स्मॉल में अभी फिलहाल जो हम लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसने पहले के जो स्विंग लोज है उनको ब्रेक करा हुआ है, तो इसमें ज्यादा एक कन्विक्शन हमारी बनती है कि द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, इट्स डाउनवर्ड फॉल। इसके अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, तो करंट लेवल से भी आप इसके अंदर कोई भी एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे की तरफ में इसमें जो गिरावट दिख रही है, तो यहाँ पे कोई भी एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। 605 तक का यहाँ पे एक नीचे की तरफ का डाउनफॉल का लेवल मिल रहा है, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो 634 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके डन। तो ये स्मॉल फाइनेंस के अंदर किस तरह के शॉर्ट के लेवल्स हैं, आप लेवल्स अच्छे से नोट कर लें, सब के सब आपके स्क्रीन पर आते जाएंगे और आपको पता लगता जाएगा कैसे कैसे इसके अंदर आपको पोजीशंस बनानी है। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर मैं लेके आता हूँ, फर्स्ट इज़ IEX, सेकेंड इज़ कैनरा बैंक। मैम दोनों को ज़रा चेक करो, IEX को, ये पावर एक्सचेंज है, और दूसरा है कैनरा बैंक। जी बिल्कुल, यहाँ पे कैनरा बैंक को भी हम शॉर्ट कैंडिडेट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और IEX में भी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड दोनों में ही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो वीक साइड पे बना हुआ है। सबसे पहले हम कैनरा बैंक को लेंगे। कैनरा बैंक का अगर हम करंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमने देखा है कि जो हाइज यहाँ पे बनी हुई, वहां पे एक बहुत ही स्मॉल डोजी फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद उसके अंदर जो एक गिरावट है, वो लास्ट 2 दिन में हमें विटनेस करने को मिली है। जो प्रीवियस यहाँ पे हाइज बने हुए थे, उनको भी यहाँ पे नीचे की तरफ में ब्रेक करे हुए हैं, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि PSU सेक्टर में भी एक गिरावट बनी हुई है। तो यहाँ करंट लेवल से कैनरा बैंक में भी एक सेल की रिकमेंडेशन बनती है। नीचे की तरफ का जो टारगेट रहेगा, तो 311 तक का इसमें एक फॉल विटनेस करने को मिल सकता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रिवर्सल है, वो तो आपको 330 के ऊपर कोई भी एक मूवमेंट होती है, तब जाके वहां पे एक आपका स्ट्रक्चर रिवर्सल हो गया। 330 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक में हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो हमारा था उसके अंदर निधि, एक बार फिर से आप इसका नाम रिपीट करेंगे? IEX के बारे में पूछ रहा था, दूसरा कैनरा बैंक के बारे में। जी बिल्कुल, तो IEX ऑलरेडी एक हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो एक वीक साइड का बना हुआ है। ऊपर की तरफ में हमने देखा है कि 142 के पास जो एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद कॉन्स्टेंटली हम 2 दिन से इसके अंदर एक गिरावट देख रहे हैं। करेंटली जो लेवल्स पे हम IEX ट्रेड कर रहे हैं, वहां से एक सेल की रिकमेंडेशन इसके अंदर भी रहेगी। नीचे जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, तो 136 का एक इसका शॉर्ट टारगेट रहता है, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा IEX में, तो 141.60 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ओके ठीक है, तो IEX के लेवल भी आपको मिल गया और साथ ही साथ कैनरा बैंक के लेवल्स भी आपको मिले हैं। ये दोनों अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं, टिपिकली अनवाइंडिंग ज़्यादा खतरनाक होती है, किसी भी शेयर को ऊपर नहीं आने देती है, और जो आपके स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग या फिर हम फ्रेश शॉर्ट्स के बारे में बात बोलते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के अंदर ज़्यादा दम नहीं होता, शॉर्ट्स के अंदर भी ज़्यादा दम नहीं होगा, दो चीज़ें ज़्यादा डिसाइसिव ज़्यादा काम करती हैं, और आप ये अपने एक्सपीरियंस से भी देख पा रहे होंगे। फर्स्ट फ्रेश लॉन्ग, ताज़ा खरीदारी, उसमें भाव भी हैं और भावनाएं भी होती हैं, यानी कि उसमें ओपन इंटरेस्ट भी होता है और साथ ही साथ उसमें लेवल्स भी आते हैं। दूसरा अनवाइंडिंग का प्रेशर होता है, जहाँ पे प्राइस भी टूट रहा होता है, ओपन इंटरेस्ट भी टूट रहा है, इनका टिपिकली रिवर्सल जल्दी जल्दी नहीं होता, लेकिन इसके बीच की शॉर्टिंग और कवरिंग, इन दोनों के अंदर आपको जल्दी जल्दी रिवर्सल मिलेगा। इसलिए ये जो दो पहले वाली और लास्ट वाली कैटेगरी है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आप जरा ध्वनि पटेल से उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में पता कर लेते हैं। ध्वनि आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बताइएगा, और पहले बताइएगा ऑप्शन वाला सौदा, क्योंकि कोई ऑप्शन वाला सौदा तो पहले वो बताइए आप। बिल्कुल, ऑप्शन में मेरी तरफ से आज की जो पिक रहेगी वो इंफोसिस में रहेगी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कल की सेशन में और आज की सेशन में दोनों यहाँ पे इंफोसिस के लिए बहुत ही एक वीक साइड पे रही है, तो 1480 का यहाँ पे जो पुट ऑप्शन रहेगा उसमें बाय की रिकमेंडेशन बनती है। करंट लेवल से उसके अंदर बाय कर सकते हैं, और इसके 33 के करीब ये चल रहा है। इसका जो टारगेट रहेगा, तो 42 के पास इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25 का रहेगा। ओके ठीक है डन। तो एक बार इन्फोसिस के पुट में आपको वापस से नोटिस करा देता हूँ, 1480 की स्ट्राइक की कॉल है, और ये स्ट्राइक है आपको बड़ी वाली एक्सपायरी यानी कि 25 तारीख की एक्सपायरी तक की रखना है आपको ये। दूसरा आपका 40 से 42 रुपये तक का टारगेट है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 25 रुपये का। तो रेंज, जिस रेंज के अंदर आप एंटर कर रहे हैं वो 30 रुपये, 25 जनवरी तक आपको सौदा रखना होगा,
₹25 का स्टॉप लॉस है, 40 से 42 का टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, इन्फोसिस है, आपको ध्यान रखें। ये थोड़े एक क्वार्टरली नंबर्स भी आएंगे इसी सीरीज़ के अंदर ही, 9 तारीख को इसके नंबर है, 11 तारीख को शायद इन्फोसिस के नंबर है, 13 को एस एल टेक के वी या विप्रो के नंबर है, 11 तारीख को एस एल टेक और इन्फोसिस के एक साथ नंबर आने वाले हैं। तो आप पुट के अंदर पोजीशन है, लाइट रखिएगा जो भी पोजीशन रखें। धोनी, दूसरे ट्रेड और बताओ आप। जी बिल्कुल, मेरा दूसरा ट्रेड यहाँ पे एसीसी का बनता है। एसीसी का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि डेली चार्ट अगर हम इसका देखते हैं तो नीचे की तरफ से एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है एसीसी ने और वहां से हमें एक बाउंस बैक मिल रहा है। तो इसमें एक बाय का ट्रेड यहाँ से बनता है। करंट लेवल से एसीसी के अंदर बाय कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना रहेगा तो 2405 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जो टारगेट यहाँ पे होता है तो वो हमें 2490 और 2520 तक एक्सटेंड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा मेरा यहाँ पे सेल का रिकमेंडेशन रहेगा क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही वॉलेटाइल है तो हम एक बाय और एक सेल लेके चल रहे हैं। दूसरा जो है वो नौकरी का रहेगा। नौकरी में हम देख रहे हैं तो आज एक फ्रेश ब्रेक डाउन मिला है इसके अंदर जिसमें 3815 का लेवल यहाँ पे जो बन रहा था नौकरी में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वहां पे जो एक स्विंग सपोर्ट बन रहा था उसको ब्रेक करा है उसने आज। तो करंट लेवल से नौकरी के अंदर एक सेल की रिकमेंडेशन बनती है। जो टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 3655 और उसके बाद वो 3535 तक एक्सटेंड हो सकता है। 3805 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है और करंट एक्सपायरी को इन्हीं लेवल्स के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो इन्फो एज जो आप अभी बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमारी आज मंदी वाली कैटेगरी वाला शेयर भी था। एक बार आप दिखा दीजिए जरा मंदी वाली शेयर्स की कैटेगरी, उसके अंदर आपको पहले तो लेवल्स नोट कीजिएगा, 3655 और 3800 का आपका एक स्टॉप लॉस है। अब हमारी मंदी वाली कैटेगरी, इसमें हमने इन्फो एज हमने भी डाला हुआ था, अगर आप नहीं बताते तो हम आपसे ये पता ही करने वाले थे। अब एक काम करते हैं, क्योंकि आपने इन दोनों शेयर में से इन्फो एज ऑलरेडी बता दिया, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं तेज़ी वाली कैटेगरी आपको और दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली मंदी बढ़ सकती है, तेज़ी बढ़ सकती है, ये जो कैटेगरी है 48 घंटों के लिए फेवरेबल है कि अगले 48 आवर्स के अंदर ये शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करेंगे अपने आप को, डाटा देख के ऐसा लगता है। तो उसमें एक मैक्स फाइनेंशियल और एक डाबर है, इन दोनों को आप और चेक कर लो। आपने मंदी वाला हमारा बता ही दिया ऑलरेडी, तेज़ी वाली कैटेगरी में से इन दोनों में से और ज़रा चेक कर लो। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे तेजी वाली कैटेगरी में हमने जैसे शो की स्टार्टिंग में बात करी, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा यहाँ पे एक ब्रीदर लेता हुआ दिख रहा है, डिफेंसिव सेक्टर है हमारा, तो मेरी पिक यहाँ पे डाबर की रहेगी। डाबर में मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस भी ये हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ एविडेंसेस जिसे हम बोलते हैं कि पिछले कुछ कैंडल्स का नीचे की तरफ में जो सपोर्ट बन रहा था वो सपोर्ट लेके आज एक हमें अपसाइड मोमेंटम इसके अंदर विटनेस करना है। स्पॉट में भी अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर एक ओपन लो का फॉर्मेशन बन रहा है तो वहां से स्टॉक ने हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो डाबर को मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड पे चूज करूंगी, करंट लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 560 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो यहाँ पे बनता है वो 580 का बनता है। 580 पे यहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, उसके बाद हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से करंट एक्सपायरी के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट जिनकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है उनको मेरा 580 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सलाह रहेगा और उसके बाद अगर कोई होल्ड कर सकता है तो 587 पे इसके अंदर कंप्लीट पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये डाबर के आप पे रिकमेंडेशन होगी। इन्फो एज ऑलरेडी हमने आपसे इन्फॉर्मेशन ले ही ली थी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स में भी शामिल है, लेकिन इस बीच में मार्केट के बारे में आपको और बता दूं कि बाजार के अंदर इस समय 18,000 के ब्रेक होने के बाद जो अटेम्प्ट होनी चाहिए डैमेज कंट्रोल की, वो मार्केट में अभी विजिबल नहीं है। ये डैमेज कंट्रोल करना तो आधा पौना घंटा बहुत होता है, लेकिन मार्केट में अभी कोई अटेम्प्ट नहीं हो रहा कि हम 18,000 जो आज हमने ब्रेक किया उसको वापस से रीगेन कर जाएं या बचा लें जो आज नुकसान हुआ इसको किसी तरह से। तो इसलिए बाज़ार थोड़ा बियर ग्रिप में है, थोड़ा ध्यान रख के आप ट्रेड कीजिए, सावधानी से ट्रेड कीजिए, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिए। और अगर नहीं वॉलिटिलिटी झेली जा रही इस रेंज की, 200 पॉइंट की निफ्टी की रेंज की, तो लीव इट, पहले एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आने दो। ये 18,000 ब्रेक होने के बाद 17,800 के भी रास्ते खुल जाते हैं, या तो वहाँ तक आने दो या तो 18,000 के ऊपर वापस टिक जाने दो, तब तक एक्सपेरिमेंट ना किए जाएं और ये ख़तरनाक भी हो सकते हैं। धोनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।